करेज एंड ब्रिलियंट थिंकिंग बोथ आर रेयर इन पीपल स्पेशली जो बिजनेस की गल आती है तो ब्रिलियंट थिंकिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पीटर थेल जो इस बुक का राइटर है बहुत ही इंस्पिरेशनल बुक हैगी है 0 to 1 जिसकी गलबात करते हैं अज के एपीसोड 0 to 1 जिहड़ी बुक है वह एंटरप्रेन्योर्स ते बिजनेस माइंडेड लोगों लिए नेरे दे विच धुप वांगू काम करती है काफ़ी बिजनेस स्ट्रैटेजीज इस बुक दे विच हैगियां ने ईवन दो तुसी बिजनेसमैन नहीं भी हैगे परसनल लाइफ दे विच जे तुसी ये चीज़ां यूज़ करते हो तो बहुत यूजफुल हैगियां बिकॉज आपां अपनी ही लाइफ दे सीईओ भी हुंदे आ हाँ जी गुरमीत जी तुसी फिर बुक जिहड़ी रीड कीती है ये लेटेस्ट है ना मैं भी इहदा काफ़ी मैं रीड किया मैं काफ़ी टॉक भी सुनी है तुहानू किवें लगी मतलब इहदी समरी जां बुक दा एसेंस किवें सीगा बुक बड़ी डिफरेंट है बड़ी यूनीक जी हैगी माइंड बॉगलिंग कई ये फैक्ट जिहड़े मैनू बहुत वधिया लगे वन ऑफ माई फेवरेट बुक बन गई है पिछले साल मैं थोड़ी जी पढ़ी सी इस बार मैं फिर दोबारा पढ़ी ये काफ़ी सारे टेकवे हैगे ने जिहड़े 4-5 टेकवे मैं डिस्कस करना चाहुंदा उहदे विच सब तो पहला हैगा कहिंदा बेट ऑन कंट्रेरियन ट्रुथ एंड कॉम्पीटिशन इज़ फॉर द लूजर्स गोइंग फ्रॉम जीरो दा मतलब ये हैगा भी गोइंग फ्रॉम नथिंग टू समथिंग जो पहला चीज़ क्रिएट नहीं हो चुकी है फ्रैश आइडिया तुसीं लैके आउणे जो मार्केट दे पहला किसी ने कुछ नहीं किया अगर उस आइडिया तुसीं वर्कआउट करते हैं दैन तुहाडा रिवार्ड बहुत ही बहुत वधिया हो सकता है हाई रिवार्ड है मतलब मोनोपोलिस्टिक चीज ही तुसीं जे बनाउंदे हो ना पीटर थेल विच राइटर हैगा कहिंदा जे जिहड़े एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी बिल्ड अप आइडिया ते ही अपना बिजनेस रन करते हैं उस नूं अगे लैके जाते हैं वो कुछ नवा नहीं देंदे मार्केट तो कोई एडवांटेज नहीं होंगी बड़ा ज़्यादा लोगों उस चीज़ की वो इस गल ते ही ज़्यादा आर्ग्यू करता है कहिंदा भी जे तुसी नवीं कोई चीज़ लैके आने मार्केट दे विच उहदी वैल्यू ज़्यादा होंगी है लोगों की लाइफ के ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है बट ये इन्ना आसान नहीं है ये बहुत हार्डशिप होंगी जो तुसी नवे आइडिया ते किसी वर्कआउट करते हैं कोई सर्टनटी नहीं होंगी भी ये चलेगा या नहीं चलेगा तो पर जिहड़े नॉर्मल बिजनेस होंगे जिहड़े कंपीटीटर होंगे ने जे आप एयरलाइनस की गल कर लीए लैसे है ना तो किन्नी सारी एयरलाइन समथिंग सिमिलर मॉडल है तो इसलिए उन्होंने वो बहुत ज़्यादा सबसटेंशियल चार्जेस भी नहीं कर सकते अपने मतलब कोई ये नहीं कहते भी साडा प्लेन बहुत वधिया तुसीं इहदे च बैठो हाँ जी एंड ऑफ द डे दे वोंट बी एबल टू चार्ज टू मच कंपीटीशन ही बन जाता एक तरह का जिवें हुण पिछे जे कैनेडा दे विच सूप आ गई एयरलाइन एक फ्लेयर सीगी उन्होंने बिल्कुल चीप करता है ना बिल्कुल बिल्कुल तो वो कोई यूनीक आइडिया नहीं है सारे बस एयरलाइन रन करे इसलिए तुम देखोगे बहुत सारी टाइम तो कुछ पर्टिकुलर किसी भी एयरलाइन ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया नहीं है बिकॉज इट्स मोर लैस सेम बिजनेस अगर सेम टाइम आप गूगल्स की गल करिए तो उन्होंने आइडिया जो सर्च इंजन वाला सीगा और उन्होंने इन्ना ऑप्टिमाइज किया टाइम टू टाइम वो अपने जो कॉम्पीटिटर तो 10 गुना ज़्यादा उन्होंने रेवन्यू आ 10 गुना ज़्यादा फीचर्स है वो एक लैवल से जाके ना फिर मोनोपोली बन जाती है जिन्हों वो कहें क्रिएटिव मोनोपोलीज तो मोनोपोली होने के करके उन्होंने को ज़्यादा पैसा आता तो वह अपना स्पेंड ज़्यादा कर सकते हैं बिजनेस के उपर हाँ जी तो यह चीज़ मैंने बड़ी वधी लगी है भी तुम कॉन्ट्रेरी कुछ करने की कोशिश करो जो लोग सारे ही कर रहे होंगे तो करने ना कोई फन है तो ना ही कोई बहुत ज़्यादा वीड्डी एडवांटेज होने वाली है तुम्हें एडवांटेज नहीं होंगी ये तो है जी मैं ना एक बड़ा ही लेटेस्ट अपने कुछ आई थिंक मुंडा ब्रैम्पटन च ही है मे बी शायद वो अपना एपीसोड देख ले ही स्टार्टेड अ बिजनेस जिहड़े अपने इंडिया के कैंडियां होंदियां सी ना इंडिया दियां सस्तियां कैंडियां भी जिवें हाजमोला ये वो इत्थे सैल करदा वो अपने उन्हें एक बनाया होया आपदा बेसमेंट च उन्हें तो उन्होंने कोरियर राही शिप करता है ना एंड ही इज़ डूइंग गुड मतलब मैं जो वह बिजनेस देखा नोबडी इज़ डूइंग दैट राइट मतलब बिल्कुल बिल्कुल जिहड़ी चीज़ लोग ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे तुसी उस चीज़ वल जाओ लैसे अगर हुण तुसी इत्थे वॉलमार्ट आ कॉस्को आ जां इदां दे ग्रोसरी स्टोर्स काफ़ी ने जे तुसी एक नदर ग्रोसरी स्टोर खोल लोगे तो उन्हूं तुसी कंपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा है ना हाँ जी तो कोई खास उस वैल्यू नहीं तुसी ऐड कर रहे हो जिस ग्रोसरी भी दे रहे हैं राइट हाँ जी तो इस तरह या भी डिपेंड करता आप जिदा लास्ट टाइम एक बार गल की भी लाइफ के नॉर्मल लाइफ के आप अगर कोई 0 to 1 वाली स्ट्रैटेजी लैके चलीए भी कुछ नव करिए तो वह वैल्यू एड ज़्यादा करता है हाँ जी फॉर एग्जाम्पल जे तुम कुछ नवा स्किल सीखना है अज तुम स्विमिंग नहीं आती लैसे स्विमिंग सीखनी या म्यूजिक नहीं आता म्यूजिक सीखोगे थोड़ी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा है ना वो वैल्यू एड हो जाएगी तुम अपने आप को लगेगा लोगों को चाहे लगे या ना लगे राइट बिल्कुल तो या फिर तुम्हारे को अज वैसे गड्डी नहीं चलाते चलानी नहीं आती गड्डी सीख लें थोड़ी लाइफ की कितनी वैल्यू एड हो जाएगी उस चीज़ की बिल्कुल तो ये 0 to 1 वाले मूव होंगे राइट हाँ जी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब तो बड़ा एशंस है इस बुक के 0 to 1 वाला मूव जो कहते हैं करना है लाइफ के चाहे वह परसनल लाइफ हो चाहे बिजनेस के ही हो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा सक्सैस चाहिए है तो फिर तुम 0 to 1 वाला मूव करना होगा जो तुम
ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। 0 to 1 ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਕਸਪਲੋਰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜੈਕਟਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਟੇਕ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਬਾਏ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਅ ਸਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਰ ਜਾਂ ਸੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70-80% ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪੀਟਰ ਥੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਲਾਰਜ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫੁੱਲ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਸਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਸਟੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੇਅਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੈਫਰ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ 10 ਬੰਦੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹਨ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰੋਡਸਟਰ, ਆਈ ਗੈਸ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ 6 ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, 1 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੇਮ ਕੋਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸੈਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈ ਬਾਏ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਮਰਚੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਆਈਡੀਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਰਚਰ ਕਰੋ, ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੜੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਯਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥਰਡ ਜੋ ਟੇਕ ਅਵੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਰਥ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੋਨੋਪੋਲੀ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੋਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ, ਰਾਈਟ? ਦ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਮੂਵਰ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਤੋਂ 10 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 10x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 10x ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਫੈਕਟ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟ? ਤੋ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਲੋਅਰ ਕੋਸਟ 'ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਲੋਅ ਕੋਸਟ ਜੇ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਫ ਬੈਜ਼ੋਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲਾਈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਐਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਕੇਲ ਅਪ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ
तो वो चीज़ आ जाती हैगी मोनोपोली इस तरह जी क्रिएट मोनोपोली की गल करता है इस तरह क्रिएट की जा सकती है चार फोर्स करैक्टरिस्टिक्स इंपोर्टेंट है जी आप गल की है तो हूँ अगर आप लास्ट गल करिए जो मैंने वो लगे डिफाइन करता जो बिजनेस वर्सिज स्टार्टअप हूँ ये रिलेटड टू द मोनोपोली है बेसिकली जी आप गल की है जिदा आप पहला कहा जेडे नवे बिजनेस में कई बार वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा दी जाती है तुम्हें याद होना जो ट्विटर लॉन्च किया इन्होंने 2013 के उसनों उस टाइम 24 बिलियन की वैल्यूएशन दी गई थी राइट तो जो कि 12 टाइम हायर सी जी टाइम्स की मार्केट है टाइम कि मीडिया कंपनी हैगी है राइट आपको पता वह न्यूज़पेपर तो अपन सदियों तो लोग पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल हालांकि ट्विटर उस टाइम वॉज लूजिंग मनी लेकिन फिर भी 12 टाइम उन्होंने ज्यादा वैल्यूएशन दी गई थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ द स्टोरी बेस्ड है ना कि हाँ जी उसकी फ्यूचर नु ग्रोथ देख के एंड सेम ईयर दे विच टाइम्स ने 133 मिलियंस दी प्रॉफिटेबिलिटी लेके आया सी जदों ट्विटर वाज लूजिंग मनी बट फिर भी उन्होंने वैल्यूएशन बहुत हाई दी गई थी तो क्योंकि उसकी पोटेंशियलिटी फ्यूचर वास्ते देख रहे थे जो प्लेटफॉर्म का इफेक्ट सीगा तो इसलिए आप कई बार लगता भी यार नवी कंपनी पैसा तो बन नहीं रहा आप जो ऑन पेपर देखते हैं बट लोग फ्यूचरबिलिटी देख के इनवैस्ट करते हैं जो है ना तो इसलिए ये बहुत जरूरी होंगे समझना आप हम फाइनेंस के रिलेटेड जो गल करते हैं तो अपन हमेशा होंगे भी जो नवे आई पी ओज आ गए दे रन टू मच फ्रॉम देयर वैल्यूएशन तो कई बार फिर गिरते भी है क्योंकि जो बिजनेस मॉडल लैके आए होंगे ने तो उन्होंने मटीरियलाइज नहीं हो पाता कई बार बेसिकली उही कहिंदा भी तुसी अपने आप नू पुछो इहदी 10 साल बाद इस कंपनी दी इस तुहाडे प्रोजेक्ट दी की वर्थ होगी उस हिसाब नाल उहनू वैल्यू करो बिल्कुल जी सो ये वधिया लगी इस चीज़ मैनू ते बाकी जिद्दां कि इहदे विच होर काफ़ी सारे कॉन्सैप्ट बहुत अच्छे कॉन्सैप्ट हैगे ने सारा एक बार बुक जरूर पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब नाल या रादर ईवन तुसी जे बिजनेस नहीं भी स्टार्ट करना परसनल लाइफ लिए भी बहुत गुड बुक है जे तुसी आपदे आप च ही इंप्लीमेंट कर लैंदे हो मैनूं इह लगदा कि मैं भी एक तरह का बिजनेस ही हाँ आई एम द सीईओ ऑफ माई लाइफ है ना Exactly. Then you have a finance department, you have a health department, everything. है ना भी आपा सारे department सामने हैं। बहुत बढ़िया analogy है थोड़ी हाँ। अपने आप नू भी इतना ही एक मान के चलो भी अपना CEO तो सी बहुत management कर दिया। And something similar what we gonna do in any business चाहे तो सी कोई भी छोटा मोटा काम कर दियो। हाँ जी। ते एक काफी मतलब थोड़े mind opening गला है गया इस book दे बीच। हाँ जी। Especially अगर तो सी entrepreneur kind of थोड़ा mindset है गा उधे वास्ते ही read करनी I think बहुत important है book। जी बिल्कुल। होपफुली अपने व्यूअर्स नूं भी पसंद आएगा अपना एनालिसिस ते तुसी अपना फीडबैक सानूं जरूर दिओ जी ते अज लई इन्ना रब रखा थैंक यू हो करो परवान साडे हाथ जोड़ फतेया ओ दसने दी लोड़ नहीं ओ सारियां नूं पतेया हां करो परवान साडे